दिवांशी, और वो मन्नत उसको तो मैं जानता हूँ। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होगे। तो अभी आज है गुरुवार और टाइम शाम के 5:30 बज गया है। अभी फ़िलहाल आर्या तो गया हुआ ट्यूशन और मीनू ये देखो सो रही है। एक्चुअल में गाइस मीनू की तबीयत ख़राब है। रात को ना सोते हुए जब मीनू करवट ले रही थी ना, तो शायद कोई नस ऊपर नीचे होगी, तो उससे ना पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मीनू दोपहर से सोई हुई है। हालांकि डॉक्टर को चेक करवाया था, उन्होंने मेडिसिन दी थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा इतना। अब देखते हैं रात तक, अगर ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो कल गंगानगर दिखा आएंगे। अभी तो मैं आर्या का वेट करे जा रहा हूँ। आर्या आए तो उसके बाद देखेंगे अगर ब्लॉग बना तो। वैसे तो ब्लॉग करने का मन नहीं हो रहा था और फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर ढंग का बना तो अपलोड कर देंगे, नहीं बना तो देखेंगे। आ गया, थोड़ी सी दूरी के लिए साइकिल लेके जाता है। दादा दादी जो स्टोरियां सुनाते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। दादा दादी जिनको स्टोरियां सुनाते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। दादा दादी थोड़े छोटे बच्चे होते हैं। मैं सपोर्ट किसके लल्लू लाल के नहीं, देखना मेरी बात सुन ले। अभी जो भी पूछना है अंदर आके आराम से बैठ जा, फिर पूछ ले। वो तो साइकिल अंदर बीच में खड़ी है गेट की और पूछे जा रहा है दादा दादी दादा दादी। मेरी बात सुन, आज कहीं जाने का तो मन है नहीं, मम्मा की भी तबीयत खराब है। तो आज अपने ऐसे करें, आज होम टूर का ब्लॉग बना दें। होम टूर दे देते हैं आज। तो गाइस एक्चुअल में जहाँ हम रह रहे हैं साधु शहर में, ये हमारा घर नहीं है, ये मीनू की मम्मी और का घर है। हमारा घर वो गंगानगर वाला है जहाँ अपने गए थे ना कुछ दिन पहले। तो यहाँ काम के सिलसिले में आना पड़ा हमें, हालांकि कुछ टाइम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर वापस गंगानगर ही जाएंगे हम। पर एक बार यहाँ रह रहे हैं तो इसी को ही अपना घर मान के हम यहाँ का होम टूर दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं, होम टूर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेन गेट, दो गेट हैं, एक ये बड़े वाला एक वो छोटे वाला। और ये वाला तो जब कार अंदर बाहर करनी होती है तभी खोलते हैं, और ये वाला नॉर्मली खुला ही रहता है सारा दिन ये। और ये देखो ये दो पोर्शन बने हुए हैं, एक अंदर मम्मी और का, और ये वाला जहाँ हम रह रहे हैं अभी इसका वॉशरूम वो रहा। और ये वाला पोर्शन आपको अंदर से दिखा दूं, और इस वाले पोर्शन में गाइस एक ये रूम बना हुआ है, तो ये इधर ओपन किचन बना हुआ है और एक पूरा हॉल सा बन गया। तो उधर हमारा, तो गाइस ये वाला हमारा मंदिर है, इधर मंदिर साथ में हमारे प्यारे गुरु जी का स्वरूप विराजमान है। तो ये तो है हमारा पोर्शन, और इधर से भी गेट जाता है वॉशरूम को। ये देखो ये आ गया वॉशरूम, ये देखो ये दो गेट है हमारे वाले पोर्शन के, ये और वो। और गाइस ये वाला एरिया खुला है ऐसे ही, और आगे चलेंगे मम्मी और के पोर्शन की तरफ। तो ये लॉबी है कार वगैरह खड़ी करने के लिए, और ये मम्मी और के पोर्शन का मेन गेट आ गया। तो गाइस ये मम्मी और के पोर्शन का मेन गेट आ गया, और ये किचन की खिड़की आ गई। और यहाँ से एंटर होते ही ये देखो ये सामने लिविंग रूम है, और वो सामने दो रूम है, वो मंदिर है, और इधर किचन है इस साइड, ये सारा किचन है। और किचन से तो गाइस इधर ये कॉमन वॉशरूम बना हुआ है ये देखो, और उसके साथ ही बिल्कुल ड्राइंग रूम आ गया। ये मेन गेट से इधर घुसते ही ड्राइंग रूम आ गया ये देखो। अब इसको एक बार पूरा तैयार नहीं कर रखा, यहाँ सोफे वगैरह ऐसे ही लगा रखे हैं, काफ़ी बड़ा सारा है ना, तो बेड भी लगा रखा है यहीं। तो अभी चलते हैं रूम्स और मंदिर। तो पहले देखते हैं मंदिर, फिर मैं वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ गाइस ताकि पूरा दिख जाए अच्छे से। ये इधर पूरी सेल्फ ही बना रखी है, इसके ऊपर सारे भगवान की फोटोज और हमारे प्यारे गुरु जी की स्वरूप। अब चलते हैं रूम दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये दो रूम है यहाँ पे, ये बेडरूम है, इधर तो मम्मी और सोते हैं, मम्मी और अभिनव। यहाँ एसी, इधर एसी लगा हुआ है ना, तो आ रहा भी एसी के चक्कर में इधर सो जाता है आके। इसी रूम के अंदर एक स्टोर भी अटैच है, लाइट जगाना स्टोर की। और ये स्टोर में गाइस देखो ये अलमारियाँ संदूक हो गए बड़े वाले, और बिस्तरे वगैरह यहाँ रखते हैं मम्मी और। तो अब यहाँ से चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। गाइस ये था
मेन बेडरूम। वैसे भी ये बेडरूम है पर इसको ना मीनू ने शॉप की तरह बना रखा है। तो गाइस इस रूम को मीनू ने शॉप की तरह इसलिए बना रखा है क्योंकि मीनू वो ऑनलाइन सामान मंगवाती है ना सेल करने के लिए, तो उसकी शेल्फें वगैरह लगवा दी मैंने मीनू को ताकि इसको सामान दिखाना करना आसान हो जाए और रखना भी आसान हो जाए। ये वाले रूम में घुसते ही आगे पीछे है वेंटिलेशन, ये देखो। और वेंटिलेशन में टॉयलेट और वॉशरूम अलग अलग बने हुए हैं, बाथरूम और वो। और इधर एक वो बना रखी है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, गुहारनी कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं। तो गाइस मुंबईया भाषा में बोले तो ये खुपचा बना रखा है, पुराने बर्तन वगैरह सारा कुछ यहीं रखा हुआ है। एक छोटा सा कमरा हो गया, हाफ आधा कमरा हो गया ये। और इधर हमारा कूलर वगैरह और ये गोड़ियाँ वोड़ियाँ सब पड़ा है यहाँ पे। अभी चलते हैं छत पे। तो गाइस दोनों रूम से निकल के आ गए, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस इधर ऊपर चढ़ते, एक ये रूम है, एक वो ड्राइंग रूम बना हुआ है, एक वो किचन बना हुआ है। तो पहले रूम को खोलते हैं। ये है रूम, और रूम में ये रूम कम ही यूज़ होते हैं, खाली पड़े हैं सारे रूम। और ये रूम में अटैच वॉशरूम, और ये गेट फ्रंट में खुलता है। और ये देखो गाइस ये गेट खुलता है फ्रंट में, जल्दी बारिश भाई। और ये बिल्कुल इसके साथ ही आ गई हमारे वाली छत जहाँ हमारा पोर्शन है। चल मैं उधर से आ रहा हूँ। तो गाइस अभी चलते हैं उधर से, इधर से जाएंगे। और ये देखो गाइस, और ये देखो ड्राइंग रूम में भी कूलर वगैरह ये सारा सामान पड़ा है। तो गाइस ये देखो, ये आगे अभी अब उसी लॉबी में, ये अपने आगे वहीं बिल्कुल फ्रंट वाली साइड में। पहले हम वहाँ खड़े थे, उस रूम से आए थे बाहर, अभी हम खड़े हैं यहाँ। और ये देखो ऐसे है कुछ ये लॉबी। अब यहाँ दो तीन दिन पहले आंधी, दो तीन दिन से आंधी आ रही है ना, तो मिट्टी मिट्टी हो रखी है सारी। अब चलते हैं ऊपर वाली छत पे, टॉप वाली। और अंदर से ये पीछे वाला गेट आ गया, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए अपने, और ये पीछे वाला गेट आ गया, ये जाता है पीछे ऊपर छत पे जाने के लिए। चल पहले ये तो दिखा, ये जो किचन के लिए बना रखा है। तो गाइज ये भी वैसे किचन बनाया हुआ है पर ये ऊपर वाला पोर्शन कभी यूज़ नहीं होता, तो ये सारी जगह ऊपर वाली स्टोर के लिए यूज हो रही है। जैसे वो आ रहा है कि छोटी सी साइकिल पड़ी है, तो इसको भी स्टोर की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब इसका यूज होएगा तो इसको तैयार करवा लेंगे। और यहाँ ये इसके चारों तरफ खुला एरिया हो गया। चल आ जा गाइस, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, वो ड्राइंग रूम रहा, वो वॉशरूम रहा, वो रहा मेन गेट। और ये अब जाएंगे अपने इस गेट की तरफ। तो गाइस ये गेट खोलते ही ये देखो वो वेंटिलेशन वाला एरिया आ गया। ये अपने दोनों रूम के ऊपर खड़े हैं अभी, और ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ऊपर वाली छत को। ये आ गए हम टेरेस पे। यहाँ सिर्फ एक टंकी बनी हुई है बड़ी सारी पानी की, और इसके नीचे काफ़ी मटके वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से फ्रंट ऐसा है आगे। तो आ रहा है कि कुछ फ्रेंड्स आई हैं खेलने के लिए इसके साथ, ये देखो आवाज़ें मारे जा रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा होम टूर। अभी खैर आ रहा है कि फ्रेंड वो देखो नीचे आए बैठे हैं, तो अभी चलते हैं नीचे। चले यहाँ पे आ रहा कई बार साइकिल चलाने आ जाता है ऊपर, काफ़ी साइकिल चलाता है यहाँ पर। और ये गुरुद्वारा की छत होगी, सनसेट हो रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अभी ये कुछ बच्चे आ रहे कि फ्रेंड खेलने आई हैं आ रहे के साथ। और मेरी बात सुनो, अगर ब्लॉग में ले लूँ तो तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं? ये ना हो कि वीडियो में आ जाओ और फिर तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं कि हमारी बच्चियों की वीडियो को डाल दी। कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? नायरा। सायरा। आपका? देवांशी। और वो मन्नत, उसको तो मैं जानता हूँ। ले कितने कितने पे आउट है? फाइव पे। जिसके पहले फाइव गिर के वो आउट है। चलो वो नहीं खेलती, चल तू खेल ले, खेल ले। तो मन्नत आउट, अब आर्य की बारी आ गई, ढंग से खेल।
आ रहा। ये तीनों भी आगे खेल रहे। चली गई, चलो ये देवांशी भी गई, अब ये तीनों खेलेंगे। अब तो आ रहा के साथ खेलने के लिए काफी जने हो गए। चलो खेल लो तुम लोग। बस खेल लिया, थक गया, हो गए वो जशन। और तो गाइस फिलहाल बच्चे तो गए सारे खेल के, और एक्चुअल में ना वो खेलने के बहाने ना व्लॉग में आने के लिए आते हैं। वो लड़कियां भी व्लॉग के चक्कर में आई थी, और वो बच्चे भी आते तो खैर व्लॉग के चक्कर में ही है, उनको शौक है व्लॉग में आने का, तो मैं ले आता हूँ। चलो ठीक है, इससे बच्चे खुश हो जाते हैं तो अपना क्या जाता है। वैसे भी उनके बहाने से ना बढ़िया आ रहा, थोड़ी देर खेल लिया। और मम्मी ने तंदूर भी जला दिया, और इधर माऊ भी आए बैठे हैं मम्मी साथ बातें करने के लिए। A few moments later. देखना कर ली बंटी आई, उनको देख के फिर ले गया। पता लग गया तुसी आए हो। देखना कहा चढ़ गया। इसको ना थोड़ी सी आवाज आ गई आंटी की, आंटी आए बैठे, इसको याद आ गया कि डराऊ फिर। अब प्रैंक करता खुद ही गिर गया। आ रहा ना कर लाडे। आंटी भी कमाल है ना, पता भी है नकली है फिर ही डरी जाते हैं। बस कर लाडे, बस कर, ज्यादा नहीं करते, हो गया तेरा सांप। छोड़ दे इसको, छोड़ दे, अब इसके साथ ही सोएगा क्या? जमूरा का पीछे पड़ा हुआ 3 दिन से इसके। तो गाइस फिलहाल डिनर आ गया। आज डिनर में दाल, अचार और ग्रीन सैलेड, और मीठे में है दूध वाली सेवियाँ। आज मन हो रहा था खाने का तो मीनू ने बना दी। तो गाइस डिनर कर लिया फिलहाल, और आज ना कई दिन बाद मन कर रहा था वो दूध में सेवियाँ डाल के खा के खाने के लिए, तो मीनू को बोला तो उसने डाल दी और खा के मज़ा आ गया कसम से। तो अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।